और यहाँ मेरी प्यारी पोती के लिए एक केक है। मुझे केक बहुत पसंद है। वाह, मुझे पिज्जा भी पसंद है। क्या चुनूं? जाहिर है शेफ का पिज्जा। कैसा पिज्जा अलिन से? क्या तुम्हें तरबूज पसंद नहीं है? यहाँ रहा, वैसे ये बहुत भारी है। लगता है कलिनरी चुनौती अब हमारे लिए इंतजार कर रही है। क्या आप स्वादिष्ट खाना खिलाने के लिए तैयार हैं? तो चलो चलते हैं। हम कहाँ से शुरू करें? दिलचस्प है, तुम्हें क्या चाहिए? चिप्स, मुझे ये बहुत पसंद है। आशा है आप उन्हें बनाएंगे आसानी से। इसके लिए मुझे थोड़ा वार्म अप कर लेना चाहिए। बिल्कुल, यह जरूरी है। ओह, मेरी उम्र में अब अपनी गर्दन को इस तरह मोड़ना संभव नहीं है। ये वार्म अप क्यों? ये सिर्फ चिप्स है, और अगर प्रिंगल्स है तो इन्हें बनाए क्यों? वैसे ये बहुत स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा। कितना बोरिंग। खैर, मैं आलू काटने से शुरुआत करूंगा। मेरे पास इसके लिए एक विशेष डिवाइस भी है। अब आगे चीज का इस्तेमाल किया जाएगा। मैंने फैसला किया है कि मैं साधारण चिप्स नहीं बनाऊंगा, ये एक रेस्तरां की तरह चिप्स होगा। चीज का एक लंबा टुकड़ा बराबर भागों में काटा जाना चाहिए, फिर प्रत्येक में आलू का एक टुकड़ा खोज दे। ऐसे एक एक करके। बढ़िया, लगता है कि शेफ कुछ अलग कर रहा है। ठीक है, फिर मैं भी आलू से चिप्स नहीं बनाऊंगी। मेरे चिप्स फल से बने होंगे। ऐसा करने के लिए मुझे बस अलग अलग फलों को बराबर स्लाइस में काटना होगा और उन्हें लटका देना होगा ताकि वे थोड़ा सूख जाए। ऐसे करके क्लिप के सहारे। ओह, ये क्या? लगता है मैंने सारे चिप्स खा लिए। अब मैं लिंडसे को क्या दूंगी? मुझे जल्दी से अपनी तैयारी शुरू करनी होगी। शुरुआत करते हैं आलू से। लेकिन इतना ही नहीं है, इसके बाद मुझे तेल की जरूरत होगी। बहुत सारा तेल। और इसमें जाएंगे सारे आलू। ये छलक रहा है, मैं जल जाऊंगी। बचाओ! तुम्हें इतने तेल की जरूरत नहीं थी, ये बहुत ज्यादा है। और लगता है कि मेरा फल तैयार हो गया है। दोनों है, यह स्वादिष्ट भी और हेल्दी भी। तुम्हें पसंद आया शेफ? यह बेस्वाद है। क्या आप जानते हैं कि मेरे फ्यूचर चिप्स में क्या खास होगा? थोड़ा तीखा। वाह, ये चीटोस। लेकिन इसे ज्यादा नहीं करना है, बहुत जोरदार है। मुझे इन्हें सीजनिंग में बदलने की जरूरत है। एक ब्लेंडर इसके लिए एकदम सही है। इसे ब्लेंडर में डाल करके पीस लिया। इससे कमाल की खुशबू आ रही है। अब मैं अपने विशाल चिप्स को बटर में डुबाने जा रहा हूँ और फिर इस सीजनिंग में। और अब इसे केवल फ्राई करना बचा है। वाह, इस सुंदरता को देखो, गर्म और स्वादिष्ट। हाँ, यह कटलेट की तरह ज्यादा लग रहा है। और यहाँ मेरे चिप्स है। अरे, इतना धुआं कहाँ से आया? माफ करना, मैं ढक्कन खोलना भूल गई। खैर, ये अब चिप्स नहीं है, लेकिन केवल कोयले हैं। चिंता मत करो, अगली बार तुम लकी होगी। लिंडसे, अब तुम इसे चखकर बताओ। मैं इन काले जले हुए चिप्स को ट्राई भी नहीं करूंगी, वे बहुत गंदे दिख रहे हैं। मैं इस लाल वाले को ट्राई करूंगी। ये दिलचस्प लग रहा है। कटलेट? मैंने इतने अजीब चिप्स कभी नहीं देखे हैं। कम से कम वे तीखे नहीं हो। ओह, यह तो अच्छा लग रहा है। ओह, मैं बिल्कुल गलत थी। नहीं, मुझे तीखा पसंद नहीं है। आखिरी उम्मीद इन फलों के चिप्स से है जो दादी ने बनाए हैं। वे बहुत स्वादिष्ट दिख रहे हैं। वाओ, लाजवाब। मुझे वास्तव में ये पसंद है। दादी, आपकी जीत पर बधाई। अरे ये, ओह, मेरी हड्डियाँ। फिर से। इस बार मुझे एक केक चाहिए। दिलचस्प काम, यह मेरे बाएं हाथ का काम है। मुझे याद है कि मैं हर समय बास्केटबॉल खेलता था।
और मैं इस खेल में सबसे अच्छा था। एक दिन मैंने एक गलती कर दी और मैं गिर पड़ा और बॉल सीधे मेरे सर पर आकर लगा और मैं सच में दुखी हो गया। लेकिन अब आंसू पोंछने की जरूरत है। मैं इस चोट को संभाल सकता हूँ। मैं एक शानदार केक बनाऊंगा, बास्केटबॉल की तरह, और मैं बेबी के लिए एक अच्छा सा केक बनाऊंगी। मैं प्रत्येक लेयर पर ध्यान से जैम लगाऊंगी। बेशक अगर मैं इसे खोल पाऊं तो। ओह, किसी ने बुढ़ापे में अपनी ताकत खोना शुरू कर दिया है। ओह, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पता है कि निश्चित रूप से मेरी मदद करेगा। साधारण स्कॉच। वाह, मैं शायद अब आप पर नहीं हंसूंगा। बेहतर होगा। खैर, पहले केक पर जैम की एक परत। मुझे लगता है यह अच्छा होगा। यह पक्का स्वादिष्ट बनेगा। क्लोई, तुम केक क्यों नहीं बना रही हो? हाँ, मैंने शुरू कर दिया है। मैं माइनक्राफ्ट केक बनाऊंगी। ऐसा करने के लिए मैं केक के गोल आधार को काट दूंगी और इसे इधर ऊपर से भी काट दूंगी। आखिर माइनक्राफ्ट में कुछ भी गोल नहीं होता है। ओह, थोड़ा सावधान रहो, नहीं तो तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है। वैसे मेरे पास अब ब्लूबेरी की एक परत है जिसके ऊपर पाउडर चीनी छिड़कने की जरूरत है और मुझे केक के ऊपर रंगीन क्रीम लगाने की जरूरत है। फिर इसे ठीक से चिकना करना होगा। ये स्पेशल चाकू से मैं इसे चिकना करता हूँ। उसके बाद लंबी धारियों के रूप में काले मैस्टिक का उपयोग किया जाएगा। इनकी वजह से मैं केक को एक बॉल का आकार दूंगा। फिर हमें कुछ अक्षरों की भी जरूरत है। इसे यहाँ लगा देता हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया, एक बढ़िया बॉल तैयार हो गया। और मुझे तीन रंगों के गम के चौकोर टुकड़े चाहिए। लाल, सफेद और काला। यह इसलिए कि मैं केक के बेस में इसे चिपकाऊंगी। फिर मुझे माइनक्राफ्ट की तरह डायनामाइट का एक ब्लॉक मिलेगा। मेरी राय में ये बहुत अच्छा आइडिया है। चलो एक एक करके इसे केक पर चिपका देती हूँ। मुझे यह आइडिया तो बहुत मस्त लग रहा है। बहुत बढ़िया। मैं कुछ भूल गई। हमें एक छोटी चीज चाहिए। तो लिंडसे, क्या तुम विनर चुनने के लिए तैयार हो? सभी केक बहुत स्वादिष्ट है। शायद मैं पहली बार डायनामाइट केक ट्राई करूंगी। एक ओरिजिनल आइडिया। यह वास्तव में स्वादिष्ट है। अब मैं दादी के केक को ट्राई करूंगी। उन्होंने हमेशा की तरह कुछ बहुत ही प्यारा किया होगा। ये बेरी, और अब इसे केक को खा के देखती हूँ। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है, अद्भुत। अब सिर्फ शेफ केनी का केक बचा है। बास्केटबॉल वाला आइडिया भी बहुत मस्त है। वाह, कितना स्वादिष्ट है यह। शेफ, आप एक जादूगर हो। आपकी जीत पर बधाई। हुर्रे, अब पुराने घाव पर मरहम लगेगी। इस बार मुझे कुछ अच्छा चाहिए, जैसे कि पास्ता। इसे मेरे लिए बनाओ प्लीज। ओके। पास्ता, मैं ऐसा कर सकती हूँ। लगता है कि मेरे पास इसके लिए एक अच्छा आइडिया है। सबसे पहले मैं नूडल्स उबालती हूँ। इसके बाद मैं लाल प्याज लूंगी और इसे छोटे टुकड़ों में काटूंगी। कितना भयानक है, मुझे रोना आ रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। मुझे प्याज को नूडल्स में डालने की जरूरत है ताकि उन्हें आवश्यक रंग मिल जाए। हो गया। यह आपको बताने का समय है कि मैं नूडल्स को कैसे परोसने जा रही हूँ। मैं कांटे लेकर उन पर नूडल्स को लपेट दूंगी। यह एक बहुत ही स्वादिष्ट बॉल होगी।
इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुमने खरीदे हुए नूडल से इसे बनाया है, मैं उन्हें खुद बनाऊंगा। यह तैयार हो गया है और अब इसे पकाना है। गर्म पानी में इसे डाला और थोड़ा इंतजार करना होगा। ओह, यह सब कितना बोरिंग है। मीठी नूडल्स क्यों नहीं बनाते? हाँ, मुझे अभी सही सेट मिला है। वाओ, मुझे लगता है यह बहुत स्वादिष्ट होगा। और एक बड़ा प्लस यह है कि खाना पकाने की विधि पैकेट पर लिखा हुआ है। मुझे बस इंस्ट्रक्शन के अनुसार सब कुछ करने की जरूरत है, फिर मुझे वही मिलेगा जो मुझे चाहिए। जरा देखो कितना प्यारा है। यह बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट दिख रहा है। वाओ, बिल्कुल असली पास्ता की तरह। वाओ, थोड़ा चख लेती हूँ, बहुत बढ़िया है। और इसे करने में बहुत अच्छा भी लग रहा है। चलो मैं खुद से एक छोटा सा अंडा बनाती हूँ। हाँ, एक छोटा टुकड़ा काटा और इसे एक अंडे के सांचे में डाला। हाँ, और अब ये छोटा अंडा तैयार हो गया है। इसके ऊपर पीला भाग डालते हैं और इसे ऊपर ऐसे सजाते हैं। वाह, बिल्कुल असली पास्ता की तरह। दादी उठो, खराटा लेना बंद करो, जागो दादी। ओह हाँ, मुझे जगाने के लिए धन्यवाद। मैंने अभी अभी अपना बॉल तैयार किया है। हाँ, इसे प्लेट में रख देती हूँ। हाँ, यह तैयार है। शेफ, तुम्हें यह कैसा लग रहा है? हाँ, इसमें ऐसी क्या खास बात है, मैं सी फूड और परमेजान के साथ पास्ता बनाने जा रहा हूँ। यह बहुत शानदार होगा, लेन से खुश हो जाएगी। वैसे ये जानने का समय है कि वो हमारी डिश के बारे में क्या सोचती है। हाँ। चलो हम सब लोग तैयार हैं, तुम चक्कर बताओ। अरे वाह, सब बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मैं पहले शेफ केनी के पास्ता को ट्राई करूंगी। मुझे झींगा बहुत पसंद है। वाओ, अद्भुत, यह वास्तव में स्वादिष्ट है। अब मैं दादी के बॉल को चखूंगी। यह बहुत अच्छा आइडिया है, मुझे यह पसंद है। लेकिन इससे अजीब खुशबू आ रही है। और इसका स्वाद भी बस ऐसे ही, बहुत सारे प्याज हैं। क्लोई का नकली नूडल्स है, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छा होगा। चलो इसे चख कर देखती हूँ। छोटे कांटे से इसे खाती हूँ। मुझे सच में ये बहुत पसंद आया। वाह क्लोई, तुम्हारी जीत पर बधाई, ये वास्तव में बहुत स्वादिष्ट है। ओ, मैंने बहुत मेहनत की थी, अब मैं सच में खुश हूँ। सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही मजेदार और स्वादिष्ट चुनौतियों को मिस ना करें, तब यह और भी दिलचस्प होगा।